थोड़ा नेट्स में परेशानी हो रहा था थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, आप बताएंगे कि उस के दौरान आपने कोच से के दौरान, जब आप थोड़ा साइंस पे भी थे नेट्स uh, में जब आपका थोड़ा चल रहा था, थोड़ा थोड़ा था जस्ट मैं, मैं समझ ऑब्जर्व देखें कोच से कैसे बात देखें इस इस लेवल पे अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो बिल्कुल आ, आ, मैं जो ऑफ टाइम था उसमें आ, काम कर रहा था अपनी फिटनेस के ऊपर भी क्योंकि मेरी इंजरी भी चल रही थी और आ, उससे पहले एशिया कप भी मेरा मतलब मेरे हाल में आ, तीस रन मेरे हाइस्ट थे आ, तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा था तो उसमें आ, चले आपने सवाल पूछा तो आ, बीच में मैं चला गया जो हमारे फील्डिंग कोच है आफ्ताब खान उनकी अकेडमी है पेशावर में तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रगल करते हो बहुत ज्यादा ऑफ स्पिनर्स पे तो आ, क्योंकि वो अपने टाइम पे ऑफ स्पिनर ही रहे हैं तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया आ, और ये था कि यहाँ पे भी बैटिंग कोच के साथ रेगुलर मतलब जब हम आते थे तो आधे घंटे का टाइम होता है तो उससे पहले प्रैक्टिस पे जाते हैं तो आ, काम कर रहे थे और हर कोई मेहनत करता है ये तो बस रन हो गए तो अब मैं बोलूँगा कि मेरी मेहनत जो है ना वो आ गई है, तो इस लेवल पे हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है लेकिन मेरे ख्याल है उस पर काम करें तो लेकिन ये वही वाली बात है कि जब परफॉर्मेंस होती है तो हर कोई कहता है कि यार ये हो गया और मेहनत तकरीबन सब सब करते हैं तो लेकिन ये जो आज की जो इनिंग है ये बिल्कुल मैं जो हमारे फील्डिंग कोच है आफ्ताब ख़ान और जो उनकी एकेडमी है उसमें इब्राहिम लड़का है, मैं उनको डेडिकेट करूंगा क्योंकि जो उन्होंने खामियां देखी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे और उसमें जितना उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मेरे ख्याल में इतना कोई देता नहीं है तो ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं पर वही वाली बात है कि जब आपसे परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप मेहनत भी दिखती है और जब नहीं होती तो वो वाली मेहनत फिर आप उसको सही से नहीं समझते